देवभूमि हिमाचल में रिवालसर को त्रिवेणी धर्मस्थली में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छीछू मेले के 3रे दिन निगमापा मठ में झंडा रस्म अदा की गई। आपको बता दें कि विशेष धार्मिक महत्व के चलते पूरे विश्व में रिवालसर की अपनी एक अलग पहचान है। रिवालसर एक ऐसा ऐतिहासिक एवं पवित्र स्थान है जिसका उल्लेख हिंदू, बौद्ध व सिख धर्म से जुड़े प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के पन्नों में दर्ज है। रिवालसर धर्मों की त्रिवेणी है। ये ऐतिहासिक एवं पवित्र स्थान हिंदू, बौद्ध व सिख धर्म की संगम स्थली है। यहाँ आयोजित राज्य स्तरीय छेछू मेला धार्मिक सौंदर्य और समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। इस दिन जो है गुरु पद्म संगम का जन्मदिन हुआ है। ये 3 दिन मनाया जाता है। इस साल ये 21, 22, 23 को ये मनाया गया और 22 तारीख जो है वो है दशमी। उस दिन जो गुरु पद्म संगम की जो पालकी है उसका उसमें और फिर हमारे जो ग्रंथ हैं कांगीर और टांगीर उसको हम उसका यहाँ पर झील के चारों तरफ पूरा करते हैं और पालकी में गुरुरी मोछे के जो आइडल है उसको रखते हैं। फिर जो आज 23 तारीख है, 23 तारीख को जो ये धर्मोच्चय जो है ना, ये हमारा एक पवित्र जो ये झंडा है इसमें लोग अपनी आस्था के अनुसार जो है इसमें झंडे लगाते हैं। और आज के दिन जो है जो पुराने झंडे जो है धर्मोच्चय को गिराया जाता है और उसका जो इसके जो पुराने झंडे हैं ये शेष के तौर पर सभी लोग इसको ले जाते हैं, इसको वो शुभ मानते हैं और अपने घर में रखते हैं, इसकी पूजा करते हैं और अपने खेत खलिहान और बगीचे में रखते हैं और उससे उनकी जो है वृद्धि हो जाती है। और फिर जो अगले साल के लिए जो है वो नया जो है वो झंडे जो वो खरीदते हैं और वो उसमें लगाते हैं और लगा करके जो है अपनी जो श्रद्धा है उसको जो है वो पूरी करते हैं। मनोकामना जो है उसको करते हैं कि हे गुरु जी मुझे जो गुरु पद्म संभव हमारे घर में शांति हो, देश में शांति हो, सब जगह परिवहन ठीक हो और जो हमारे भी सुख शांति रहे, देश प्रदेश सब जगह सुख शांति रहे और घर में, ऐसा करके उनका श्रद्धा सुमन करके फिर अपने घर को इसका शेष ले करके चले जाते हैं। आज इसी के उपलक्ष्य में जो है आप देख रहे हैं कि धर्मोच्चय का जो सेरेमनी ये हो रही है। पहले इनको जो गिराया जाएगा और उसके बाद जो है इसका जो पुराने जो झंडे हैं वो सभी लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके उनको शेष दे देंगे और नए झंडे का जो है इस पर लगाएंगे और धर्मोच्चय को जो इसका झंडा है उसको खड़ा करेंगे और खड़ा